हाय एवरीवन, मैं प्रियंका और आपका स्वागत है मेरे चैनल होम एंड मच मोर में। आज के वीडियो में मैं आपको दिखाने वाली हूँ मेरा ज्वेलरी, हेयर एंड मेकअप ऑर्गेनाइजेशन, साथ ही में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जो मैंने फॉलो की है। तो ये जो सेक्शन है आपने मेरे वार्डरोब टूर की वीडियो में भी देखा होगा, लेकिन उसके बाद मैंने इसे और बेटर तरीके से रीअरेंज किया है ताकि कम से कम जगह का मैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सकूं। तो लग रहा है कि ये सिर्फ एक सेक्शन है, लेकिन अगर ये पूरा सामान मैं निकाल कर अपने बेड पर रख दूंगी तो ऐसा लगेगा अरे यार ये कितना सारा है, ये इस सेक्शन में फिट कैसे हो गया। तो मैं आज आपको इसमें बहुत अच्छे ऑर्गेनाइजर्स दिखाने वाली हूँ। तो कुछ ऑर्गेनाइजर्स जो है वो अवेलेबल है मीशो पर, तो मैं आपको मीशो के सारे कोड जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और फर्स्ट कमेंट में दे दूंगी, आप प्लीज़ चेक कीजिए। मीशो इंडिया का नंबर वन अर्निंग ऐप है और यहाँ पर आपको सारी चीज़ें होलसेल रेट्स में मिलती हैं। और अगर हाँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन एंड फर्स्ट कमेंट में दी गई डाउनलोड लिंक से अगर आप डाउनलोड करेंगे तो आपको मिलेगा 30% ऑफ या फिर 100 रुपीज़ फ्लैट का डिस्काउंट। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मेरा मेकअप एंड हेयर का सामान एंड ज्वेलरी मेरे अलमारी में होती है। वैसे थोड़ा बहुत मेकअप का सामान मैं पहले अपने मिनी ड्रेसिंग टेबल पर रखती थी, आपने पहले वीडियो में देखा होगा, पर राहिनी की वजह से फ़िलहाल मैंने वो सब चीज़ें भी यहाँ पर अंदर ही रखी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ड्रॉअर्स है वो राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट की तरफ खुलने वाली मैंने रखी है, फ्रंट में नहीं रखी है। तो अगर आप भी अपने अलमारी में या फिर इस तरह की स्पेस में सब स्टोर करेंगे तो ड्रॉअर्स अगर साइड में रखेंगे, सेंटर में ऐसी स्पेस बना के रखेंगे, तो चीज़ें यहाँ से वहाँ मूव करना, पीछे वाली चीज़ को निकालना, ये सब ईजी होगा। तो ये बीच का जो स्पेस है वो मैंने इसे लिए रखा है। तो ये देखिए, वन बाय वन देखते हैं। तो ये मैंने रीसेंट में परचेज़ किया है, आपको इन सब के मीशो कोड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और फर्स्ट कमेंट में मिल जाएंगे। तो ये सेट है ड्रॉअर प्लस ऊपर जो आप देख रहे हैं मेकअप ऑर्गेनाइज़र, तो मैं आपको ये एकदम अच्छे से अब दिखाती हूँ। ये जो है ये सेट है और ये जो मेकअप ऑर्गेनाइज़र ऊपर है ना, वो अच्छे से ड्रॉअर वाले सेट के ग्रूव में फिट हो जाता है। तो इस तरह के जो मेकअप ऑर्गेनाइज़र है अलग से भी आते हैं, लेकिन मेरे पास है वो, बट वो इस पर फिट नहीं हो रहा है। इसके सेट वाला ही जो है ना बहुत अच्छे से फिट होता है, मूव भी नहीं होता है, गिरेगा भी नहीं। और यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं आपने मेरे हाउ आई गेट रेडी और मेरे ड्रेसिंग टेबल ऑर्गेनाइजेशन वीडियो में तो देखा ही होगा, तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रही हूँ। यहाँ पे मेरे लिप कलर्स, आईलाइनर, प्राइमर, कॉम्पैक्ट, ये सब रखा है। तो सारी चीज़ें हमेशा ही यूज़ नहीं होती हैं, पर यहाँ पर मैंने इकट्ठा करके रखी हुई हैं। इन ड्रॉर्स के अंदर एक लाइनर है, आप देख सकते हैं, ब्लैक कलर का कपड़ा है, वाटरप्रूफ है, सब में दिया गया है। और इस ड्रॉर में मैंने रखे हैं ट्रिंकलेट ट्रे, यानी जो ये हार्ट शेप की ट्रे है, इसे ट्रिंकलेट ट्रे कहते हैं, जहाँ रोज की ईयरिंग्स वगैरह आप निकाल के रख सकते हैं। और ये कड़ा बस मैंने रखा है, राही ने जब बहुत छोटा था ना तब ये कड़ा लिया था, बहुत ही प्यारा है, मैंने संभाल के रखा है। तो इस तरह से जो ड्रॉअर्स है इसमें आप जो ज़्यादा आपको चाहिए होती है चीज़ें वो रख सकते हैं। वैसे मेरी ज़्यादा वाली चीज़ें तो ऊपर वाले ही मेकअप ऑर्गेनाइज़र में आ गई है, तो मैंने बाकी की चीज़ें यहाँ नीचे ड्रॉअर्स में रख दी हैं। यहाँ पर बिंदी है। तो कुल मिला के ओवरऑल जो चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती है वो इस ड्रॉअर और ऊपर के मेकअप ऑर्गेनाइज़र सेट में मैंने रखी है। ट्रस्ट मी, अगर आपके पास इस तरह की चीज़ें हैं तो ये ऑर्गेनाइज़र बहुत ही अमेजिंग है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। प्लस ये हाइट में भी जो स्पेस है ना उसका यूटिलाइजेशन कराता है, केवल हॉरिजॉन्टल में नहीं। अब एक साथ मैं सारी चीज़ें यहाँ से निकाल लेती हूँ, इसके बाद मैं एक एक कर आपको दिखाऊंगी। तो इनमें से काफ़ी सारी चीज़ें हैं ऑनलाइन अवेलेबल, काफ़ी सारी नहीं हैं, तो मैं आपको बता दूंगी कौन सी है कौन सी नहीं, क्योंकि मुझे काफ़ी सवाल आए थे जब लास्ट वीडियो गया था और जिनमें इनमें से कुछ चीज़ें नज़र आई थी। तो ये देखिए, ये ज्वेलरी ऑर्गेनाइज़र है, मेरे पास बड़े बड़े सेक्शंस वाला, फिक्स्ड सेक्शंस वाला बॉक्स है, मतलब दो बॉक्सेस है, मैंने आपको दिखाया था लास्ट वीडियो में, ये मैंने न्यू लिए हैं, ये बहुत अमेजिंग है। इनके अंदर जो डिविजन्स हैं ये आप सेपरेट कर सकते हैं, दैट्स द बेस्ट पार्ट। बड़ा ईयरिंग है तो बड़ी जगह लीजिए, छोटा है तो फिर स्पेस ना वेस्ट करते हुए आप छोटी स्पेस में ईयरिंग्स रख सकते हैं। पहले मैंने इन्हें बड़े सेक्शंस वाले बॉक्स में रखा था, वहाँ पर ये ऑर्गेनाइज ही थे, लेकिन फिर उससे ज़्यादा बेटर यहाँ पर है, क्योंकि एक सेक्शन में एक ही इयररिंग का पैर है, कोई कन्फ्यूजन नहीं है कि एक उठा लिया इसका भाई दूसरा पैर कहाँ है। और ये एक दो मैंने नए लिए हैं इयररिंग्स, ये बहुत ही प्यारे हैं, देखिए कितने प्रिटी हैं। और ये दूसरा बॉक्स, यहाँ आप देखेंगे तो मैंने कुछ जगहों पे जो पार्टीशन है वो निकाल दिया है और रैंडम चीज़ें यहाँ पर है, रैंडम एज इन जो मैं यूज़ करती हूँ। ये देखिए, आप देख रहे हैं ये सेक्शन मैंने लंबा कर दिया है, तो सिर्फ इतने सेक्शन के लिए मैंने बड़ा कर दिया। फिर कुछ कान के हैं जो बड़े हैं, इयररिंग्स जो हैं उनके लिए मैंने स्पेस को बड़ा कर दिया, पार्टीशन निकाल दिया।
ये देखिए जो हार देख रहे हैं बहुत स्पेशल है, मैं 5th या 6th में थी तब पापा हैदराबाद से रियल पर्ल्स लेकर आए थे, ये तब का है, संभाल के रखा है। ये देखिए कितना अच्छा ऑर्गेनाइज लग रहा है, देखकर ही मन को तसल्ली मिलती है। और जब यूज़ करते हैं ना ये चीज़ें, तब ध्यान रहे कि वो चीज़ें अपनी जगह पर वापस जाएं। ये नेक्स्ट वाला डब्बा है, इसके मैंने सारे पार्टीशंस निकाल दिए हैं, अलग से संभाल के रखे हैं। तो देखिए वर्टिकल में सारे जो नेक पीसेस है वो आ गए हैं। ये देखिए यहाँ पे मैंने दूसरा सेट रखा है। तो ये जो सेट है अगर मैं खोल कर आपको दिखाऊंगी तो ये देखिए इस तरह का है, इसे हाफ में फोल्ड करके बहुत आराम से इस बॉक्स में आ गया है। नेक्स्ट टाइम चाहिए हो मुझे यूज़ में तो बहुत पैकेट्स में से अंदर से कहीं से निकालने की ज़रूरत नहीं है, और साथ ही में एकदम सेफ रहेगा, टूटेगा भी नहीं। ये एक और बॉक्स है, टोटल 4 बॉक्सेस हैं, इसमें मैंने साड़ी वगैरह की पिन रखी है और ये काफ़ी खाली है, इसमें बहुत स्कोप है और फ्यूचर में एडिशंस का। जोक सपाट, ये बॉक्स जो है आपने मेरे पहले वीडियो में देखा होगा, इसमें मैंने अपनी इयररिंग्स और ये सारी चीज़ें सॉर्ट करके रखी थी, पर इकट्ठा हो रही थी काफ़ी चीज़ें। फिर मैंने इसे यूज़ किया है बैंगल्स के लिए, तो बैंगल्स इसमें बहुत अच्छे से आ गई हैं, बैंगल्स कड़े कुछ भी प्रेस नहीं होंगे, कंप्रेस नहीं होंगे और बहुत ईजिली एक्सेसिबल भी होंगे। वैसे बैंगल्स के लिए एक और चीज़ है, मैं आगे आपको वीडियो में दिखाऊंगी। और ऐसा ही सेम मेरे पास एक और बॉक्स है, ये आपने ये भी देखा होगा, तो इसमें मैंने हेयर एक्सेसरीज रखी है, सेग्रीगेट करके मैंने रखी है, टिक टैक अलग रखी है, जूड़ा पिन अलग रखा है, तो हमेशा मैं यूज़ करने के बाद इन्हें इन्हीं स्पेस में डालकर रखती हूँ। और ये वुडन ड्रॉअर है, आपने लास्ट वीडियो में जब इसे देखा था बहुत लोगों ने पूछा कहाँ से लिया है, ऑनलाइन है क्या अवेलेबल, तो ये ऑनलाइन मुझे बिल्कुल नहीं मिल रहा है, ये मुझे मेरे जो हस्बैंड है उनके जीजा जी ने भाई दूज पर गिफ्ट किया था और ये शॉप से ख़रीदा गया है, ये ऑनलाइन परचेज नहीं है। कभी फ्यूचर में देखें तो मैं डेफिनेटली लिंक शेयर करूँगी। नेक्स्ट है ये बैग, तो इस तरह की बैग्स आप परचेज कर सकते हैं, बना सकते हैं अगर आप चाहें तो। तो साड़ी की ब्लाउज़ की जो बैग्स आती हैं ना उस तरह की, लेकिन ये बैग स्पेशल है क्योंकि ये मेरी मम्मी ने घर पर स्टिच की है। इस बैग में मैंने ये हेयर एक्सेसरीज रखी है, अंदर रखी है चीज़ें, क्योंकि ये चीज़ें जो बार बार नहीं चाहिए होती, शादी ब्याह में चाहिए होती है, अब तो पता नहीं कब शादी अटेंड करने मिलेगी। और ये जूड़े की स्टिक्स हैं, रेड एंड वाइट वाली मेरी भाभी ने दी है, और ये जो वुडन आप देख रहे हैं ना ये अभिजीत ने बनाई है, तो उन्होंने एक लकड़ी का टुकड़ा लेके पूरा काव करके उसको सैंड करके मेरे लिए बनाया है। कुल मिला के कहने की बात ये है कि आप इस तरह से बैग्स में ऐसी चीज़ें रख सकते हैं जो आपको बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं चाहिए होती है, लेकिन आपको आपके कलेक्शन में चाहिए होती हैं। तो मैंने अपने हेयर की एक्सेसरीज और कुछ चूड़ियाँ कांच की जो मैं रेगुलरली नहीं पहनती हूँ उन्हें यहाँ पर रखा हुआ है। और चूड़ियाँ जो है ना इसकी भी अलग बात है, मतलब मुझे बहुत बल्कि कुछ नहीं चाहिए था, मुझे ये सिंगल पाउचेस बहुत पसंद आए क्योंकि कभी ट्रैवल में ले जाना हो तो उसके लिए भी ये बहुत अमेजिंग है। बस ये बहुत बल्कि नहीं है, मैं बहुत सारे बैंगल्स ऑर्गेनाइज़र देख रही थी तो बड़े स्क्वायर और रेक्टेंगुलर थे जिनमें बहुत स्पेस तो यहाँ वहाँ ही कंज्यूम थी, तो ये मुझे उस हिसाब से काफ़ी कॉम्पैक्ट लगे। तो इनके कोड्स हैं, ये मीशो से लिए हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर इस बैग में रखी है इकट्ठा करके, ताकि देखने में भी एकदम नीट लगता है और साथ ही में ये बहुत कम यूज़ होते हैं, जब चाहिए बैग निकाल लो और यूज़ कर लो। नेक्स्ट है ये ग्लास, तो ये ग्लास कोई स्पेशल ग्लास नहीं है ब्रशेस के लिए, ये नॉर्मल पानी पीने का ग्लास है, हाँ थोड़ा सा फैंसी है यानी कलर्ड है, तो आप भी अपने पसंद का कोई भी कांच का ग्लास या फिर कोई फैंसी स्टील ग्लास मेटल ग्लास ले सकते हैं। तो इसमें मैंने सारे ब्रशेस रखे हैं। अगर आप मेकअप ऑर्गेनाइज़र नहीं ख़रीदना चाहते हैं, आपके पास बहुत ज़्यादा सामान नहीं, आप नहीं यूज़ करते हैं, तो इस तरह के ग्लास में आप आपकी चीज़ें रख सकते हैं, आईलाइनर लिप कलर काजल सब कुछ। और ये देखिए एक और एक बॉक्स, आप बोलेंगे कि पूरा खाली है, हाँ ये खाली है, मैंने ख़रीद लिया क्योंकि ये बहुत अच्छा लगा मुझे। इसमें भी सेम स्कोप है, पार्टीशंस बढ़ाना घटाना या फिर पूरी तरह से निकालना, यहाँ तो पूरी तरह से पार्टीशंस को निकाला जा सकता है। ये एक के ऊपर एक स्टैकेबल ट्रेज हैं, तो ये बॉक्स मुझे काफ़ी अच्छा लगा, भले ही अभी खाली हो पर मैंने ले लिया। आजकल बहुत फैंसी और बहुत ही सुंदर छोटे छोटे ज्वेलरी बॉक्सेस आते हैं, आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास ये एक है, ये बहुत पुराना है, मैंने इसमें जेड रोलर रखा है, ये भी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं है, मुझे ऑफिस में वेमेंस डे पर ये गिफ्ट मिला था। देन ये बॉक्सेस हैं, ये डीमार्ट से परचेज किए थे, इनमें भी छोटी मोटी चीज़ें हैं जो बहुत फ्रीक्वेंटली यूज़ नहीं होती है, तो मैं इन्हें थोड़ा सा अंदर की तरफ रख देती हूँ। ये बॉक्स खाली था तो मैंने जो बड़े ज्वेलरी बॉक्स के पार्टीशंस हैं वो इसमें डालकर रख दिए हैं। तो कुल मिला के छोटे छोटे बॉक्सेस में आप अच्छे से अरेंज करके रख सकते हैं चीज़ें। बॉक्सेस अगर आपको नहीं लेने हैं तो बैग्स ले लें, ग्लासेस ले लें,
घड़ियों के जो फैंसी सुंदर डब्बे आते हैं ना, आप उनको भी एज ऑर्गेनाइजर यूज कर सकते हैं। मीशो पर ऑर्डर प्लेस करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में दिए गए कोड को आप मीशो में सर्च बॉक्स में टाइप कर सकते हैं, या फिर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन और फर्स्ट कमेंट में ही दी गई लिंक पे क्लिक करना है और आप जिस प्रोडक्ट के लिंक पे क्लिक कर रहे हैं वो प्रोडक्ट खुल जाएगा, उसे सिलेक्ट कीजिए। अगर कपड़ा है तो साइज होगा, क्वांटिटी सिलेक्ट कीजिए, ऐड टू कार्ट कीजिए, उसके बाद मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट कीजिए, फिर प्रोसीड पे क्लिक करें। अगर आप खुद के लिए खरीद रहे हैं तो एग्जैक्ट अमाउंट डालें ताकि जो प्रॉफिट मार्जिन है वो जीरो रहे और ऑर्डर प्लेस करें। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।